चाइना वाले मुस्लिम लोगों को मार रहे हैं लेकिन क्यों, और ब्राजील में लड़कियों के साथ पब्लिक प्लेस में क्या होता है देखकर हैरान हो जाएंगे आप। और कौन है डैन रॉडीज जिसने 2 महीने में जादू से कर दिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर, और क्या है भारत का असली राज, क्या हमने बना लिया था टाइम मशीन और स्पेस असली ब्रह्मास्त्र की प्रूफ देख कर आप चौंक जाएंगे, और क्या है इन डरावने स्टैचू की असलियत, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारत का कल्चर और इतिहास सबसे पुराना है और ये बस दोगली बातों पर नहीं बल्कि ये साइंटिफिक प्रूफ पर बना हुआ है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया था, उन्होंने न्यूक्लियर बम के धमाके को देखकर एक लाइन कही थी, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। और ये जो लाइन है ये भगवत गीता से ली गई है। भगवत गीता में ब्रह्मास्त्र का नाम लिया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र जब इस्तेमाल किया जाता है तब 100 सूर्य से भी ज्यादा तेज निकलता है, और इससे निकलने वाली लहर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देती है, चाहे वो पहाड़ क्यों न हो, वो ब्रह्मास्त्र नदी को भी सुखा देता है। सुनने में ये बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लगता है। इसी के साथ रामायण में विमान का भी जिक्र किया गया है, और उसके आकार को जब एक साइंटिस्ट ने मॉडल के फॉर्म में बनाया और देखा तो वो पूरी तरीके से एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था, यानी जब पूरी दुनिया को खेती करने के लिए हल नहीं बनाने आता था तब भारत में एरोडायनामिक ऑब्जेक्ट बन चुके थे। और अगर हम माने कि चलो तभी विमान नहीं होगा, पर फिर भी ऐसी चीज की बस जिक्र करना भी तभी इम्पॉसिबल है। इसी के साथ आज की जाने वाली टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी चीजों के बारे में भी तभी जिक्र किया गया था। साओ कॉर्वो का जन्म कुछ ऐसे ही हुआ था। नंबर 2, चीन में मुस्लिम लोगों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है और उनकी पॉपुलेशन को खत्म किया जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं उघुर मुस्लिम की जो शिनजियांग के ज्यादातर हिस्से में रहा करते थे। चाइना ने वहाँ पर कब्जा किया और अब वहाँ पे बस 42% ही उनकी आबादी रह चुकी है, जो कि एक समय पर 80% तक थी। वहाँ के ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, पर चीन ने उनके धर्म को बदलने के लिए कहा और इसीलिए वहाँ पर दंगे फसाद हो गए, और अब चीन के लोग इन्हें खत्म कर रहे हैं इन्हें का नाम देकर। यहाँ पर एक कंसेंट्रेशन कैंप है जहाँ पर बस इन मुस्लिम्स को ही रखा जाता है। इनको कई अलग अलग तरीके से फंसा कर यहाँ डाला जाता है, जैसा कि अगर इनमें से कोई भी हिजाब पहने, अपने धर्म की बात करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, ऐसा कुछ काम करते हैं तो फिर उन्हें सीधा यहाँ भेज दिया जाता है। इसी के साथ अगर इनमें से कोई चाइना की दुश्मन या फिर इस्लामिक कंट्री में जाता है तो भी उसे बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना जाता है, और अगर यहाँ पर किसी के भी एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें पकड़ कर यहाँ डाल दिया जाता है, यानी बच्चों पर भी रहम नहीं। नंबर 3, अगर आप YouTube पर शॉर्ट्स और Instagram पर रील देखना पसंद करते हैं तो यकीनन आपने इनका एक ना एक वीडियो तो जरूर देखा होगा, क्योंकि कुछ वक्त पहले ये बहुत ही ज्यादा मशहूर थे और बस कुछ महीनों के अंदर ही इन्होंने 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब YouTube पर गेन कर लिए। ये जादू के वीडियोस बनाते हैं, यानी कि ये YouTube पर जादू दिखाते हैं और उसके बिहाइंड द सीन्स को भी बताते हैं, यानी लोगों को बताते हैं कि जादूगर उन्हें सोशल मीडिया पर कैसे उल्लू बनाता है, और वो कई बार तो ये भी बताता है कि वो अपने वीडियो में कैसे जादू करते हैं, और लोगों को ये वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिसकी वजह से बस 3 या 4 महीने के अंदर ही इनका हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। नंबर 4, ब्राजील इस देश के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस देश को फिलहाल इंडिया से कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये भी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी का हिस्सा है, और यहाँ का ज्यादातर जो पैसा है वो टूरिस्ट से भी आता है, लेकिन वहीं यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरी दुनिया में ब्राजील दूसरा सबसे अनसेफ जगह है एक महिला के लिए, क्योंकि यहाँ पर किडनैपिंग, बलात्कार, स्मगलिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि इंडिया और बाकी सारी कंट्री में भी जहाँ पर लड़कियाँ स्मगल की जाती हैं, उसमें से ज्यादातर ब्राजीलियन लड़की होती है, और इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ के ज्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, और इसीलिए जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई महिला टूरिस्ट है तो उनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। पर अभी गवर्नमेंट इस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इससे उनका टूरिज्म बहुत इफेक्ट होता है। नंबर 5, जब भी आप किसी गल्फ अरब को देखते हो तो आपके दिमाग में यही आता है कि ये शख्स बहुत ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि गल्फ अरब सब अमीर होते हैं, और ये स्टीरियोटाइप अब उनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर कोई गल्फ अरब है और अगर वो अमीर नहीं है तो उसे लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है, इसीलिए वो जानबूझकर अमीर बनना चाहता है, और यही कारण से हर साल हजारों जो गल्फ अरब होते हैं वो करोड़ों रुपयों का लोन लेते हैं और उससे महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं ताकि वो लोगों के सामने अमीर दिख सके। इसीलिए स्टीरियोटाइप बहुत गलत होता है, जैसे कि पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि हम जो इंडियन हैं हम हर एक चीज के साथ करी खाते हैं, और उनको लगता है कि हमारे इंग्लिश खराब है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 6, वर्जीनिया के एक मैदान में इतने बड़े 42 स्टैचू रखे हुए हैं और ये सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट के हैं, और इंटरनेट पर ऐसा बताया गया है जैसे कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ये स्टैचू किसने बनाया, क्यों बनाए, इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सबके सर के ऊपर होल है, और ऐसे कई सारी गलत बातें बताई जाती है पर असलियत ऐसी नहीं है। दरअसल एक बहुत ही बड़ा थीम पार्क था जिसमें ये स्टैचू रखे गए थे, लेकिन फिर आगे जाकर ये थीम पार्क थोड़े लीगल प्रॉब्लम में आ गया और इसको बंद करना पड़ा। इसके बाद आज इसमें जो भी स्टैचू थे उन
उनको ऑफिसर्स तोड़ने वाले थे, लेकिन ये शख्स स्टैच्यू और हिस्ट्री का काफी बड़ा फैन था, इसीलिए उसने इन्हें टूटने से बचाने के लिए काफी पैसा खर्च किया और इसे अपने प्राइवेट लैंड पर रखवा दिया। और इनके सर को तोड़ा गया था ऊपर से ताकि उसके अंदर के मेटल रोड तक पहुंचा जा सके और क्रेन के जरिए उन्हें उठाया जा सके। नंबर 7, दोस्त गेम्स ने बच्चों के दिमाग पर काफी ज्यादा असर किया है। आजकल ऑनलाइन गेम का एक राउंड पूरा करने के लिए बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। दरअसल एक बच्चे ने पुलिस को फोन करके कहा कि जो रेलवे स्टेशन है उसमें बम लगा हुआ है। पुलिस को पता था ये बच्चे का कॉल है, लेकिन सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए उन्हें चेक करना पड़ा, जिसकी वजह से ट्रेन को स्टेशन पर नहीं आने दिया। और फिर आगे जाकर पता चला कि इस बच्चे ने झूठ बोला था ताकि उसका दोस्त पबजी का राउंड कंप्लीट कर सके। अगर ट्रेन टाइम पर वहां पहुंच जाती तो उसे गेम बंद करना पड़ता, क्योंकि उसे वहीं उतरना था। ट्रेन टाइम पर ना पहुंचे इसलिए उसके साथ खेल रहे 12 साल के लड़के ने ऐसा किया। ये घटना कर्नाटक के बेंगलुरु की है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।